दोस्तों ये बात तो आप लोग जानते होंगे कि बॉलीवुड के अनसंग वॉरियर यानी कि वर्सेटाइल सुपरस्टार अजय देवगन की सुपर डुपर हिट फिल्म यानी कि भैया दृश्यम के, के पार्ट टू को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 27 दिन हो चुके हैं यानी कि आज इस फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर 28वां दिन है यानी कि भैया ये फिल्म अपना चौथा हफ्ता आज बॉक्स ऑफिस पर कंप्लीट करने जा रही है तो भाई इस फिल्म का चौथे हफ्ते में सफर कैसा रहा फिल्म ने 27 दिनों में अब तक बॉक्स ऑफिस पर कितने का कलेक्शन कर लिया है ये सारी जानकारियां अब मैं दूंगा आपको तो बने रहिएगा हमारे साथ अंत तक हेलो फ्रेंड्स मैं हूं नरेंद्र और मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज जंक्शन में तो दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया कि अजय देवगन की ब्लॉकबस्टर हिट फिल्म यानी कि दृश्यम के पार्ट टू को बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुए 27 दिन हो चुके हैं यानी कि भैया ये फिल्म अपने चौथे हफ्ते में एंट्री मार चुकी है बॉक्स ऑफिस पर और भाई चौथे हफ्ते में इस फिल्म को जिस तरह का कलेक्शन पूरे इंडिया से अब तक मिला है

4 करोड़ 67 लाख रुपिस का उसके बाद चौथे संडे को इस फिल्म को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 6 करोड़ 16 लाख रुपिस का उसके बाद चौथे मंडे को इस फिल्म को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था 1 करोड़ 61 लाख रुपिस का उसके बाद चौथे ट्यूसडे को इस फिल्म को जो बॉक्स ऑफिस पर कलेक्शन मिला था वो आंकड़ा था वन करोड़ फिफ्टी सेवन लाख रूपीस का और उसके बाद चौथे कल कलेक्शन कर लिया है वो आंकड़ा है टू हंड्रेड फोर्टीन करोड़ थर्टी सिक्स लाख रुपीज का यानी कि भाई जो कलेक्शन मैंने इस फिल्म को लेकर आप लोगों से बताई थी कि ये फिल्म दो सौ सोलह करोड़ से दो सौ पंद्रह करोड़ तक का बिजनेस कर लेगी बॉक्स ऑफिस पर चौथे हफ्ते के माध्यम से तो भाई इस आंकड़े को ये फिल्म चौथे हफ्ते में छूने जा रही है उसके बाद भैया इस फिल्म को लेकर ये जानकारी हम लोग के सामने आ चुकी है कि इस फिल्म को भैया वर्ल्ड वाइड 51 करोड़ का